हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और एक बहुत ही अच्छा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। अब हमें यहाँ पर फिगर में एक सेमी सर्कल दिख रहा है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर है। हमें क्या करना है, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो फाइंड करना है। ट्रायंगल की जो दोनों साइड है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, वो लेंथ हमें गिवन है जो कि 40 और 9 के बराबर है, और उसके अंदर सेमी सर्कल है जिसका रेडियस फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो इसकी हाइपोटेनस जो है वो आसानी से फाइंड की जा सकती है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करके रख लेते हैं क्योंकि वो आगे यूज में आएगी। ओके, सो कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी, ये चार पॉइंट्स हमने दे दिए। तो और लास्ट में एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कि इस सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो, तो उसे हमने नाम दे दिया ई। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, फार वाला, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 के बराबर और 9 का जो स्क्वायर है वो होगा 81। तो यहां से हमें एसी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1681 और एसी यहां पर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1681 जो कि बराबर होता है 41 के। तो हाइपोटेनस का तो लेंथ निकल गया जो कि आया है 41 के बराबर। ओके, अब सर्कल की प्रॉपर्टीज जिसको पता रहेगी वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, जिसको सर्कल्स की प्रॉपर्टीज पता नहीं रहेगी वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पहले प्रॉपर्टीज प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज पता होगी तो जल्दी से कर पाएगा। देखिए, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट सर्कल पे बना सकते हैं और उन दोनों ही टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो होगी सेम। लेंथ से मेरा तात्पर्य यह है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करें जो कि सर्कल को टच करे, तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर रही है वहां से वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है उन दोनों ही टेंजेंट का सेम रहेगा। मतलब ये जो बीसी है ना ये 9 है, तो ये जो डीसी है ना ये भी क्या होगा, 9। ठीक है, डीसी 9 है और ये टोटल जो है वो 41 में से 9 माइनस कर दो तो हमें यहां पर मिलेगा 32। ठीक है, तो यहां से एडी पता पड़ गया, एडी जो है वो है 32 के बराबर। अब जो सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो हमने मान ली है कि भैया वो है आर। ठीक है, तो ये जो EB है ना ये बराबर है R के, तो ये जो AE जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40 माइनस R के बराबर। ठीक है, अब एक और सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के सेंटर से हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बनेगी ना वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये ई और डी पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा ना तो ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के ऊपर, तो वो भी मैंने बना दिया है। और ये जो ई डी है इसकी लेंथ कितनी होगी, आर के बराबर। ओके, अब ये थोड़ा सा होश पोश हो गया है पर समझने के लिए काफी है, जब तक हम लेबलिंग और ये सब वैल्यूज वगैरह नहीं निकालेंगे ढंग से तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो जैसे स्टेप वाइज अगर आपको कुछ कंफ्यूजन था थोड़ा बैक जाके आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। देखिए, हमने पहले क्या करा, परपेंडिकुलर बेस गिवन है, हाइपोटेनस निकाला, एक सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करी है और उसके बाद एक और सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करी कि सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट की। ठीक है, अब यहां पर हमें सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है। देखिए, यहां पर 2 ट्रायंगल लूंगा मैं, ये अब इस एंगल की बात करें, ये वाला जो एंगल है इसको मैं अल्फा नाम दे देता हूं। ठीक है, तो यहां 2 ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला,
इन दोनों ही ट्रायंगल में हम देखें तो ये जो एंगल है ना, ये अल्फा ये कॉमन है और दोनों ही ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ये जो दोनों ट्रायंगल है ए डी ई और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स है, इनके जो रेशियोज है, वो होंगे प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या करना है, साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे तो हमें उन्हें इक्वेट करना है। ओके, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम ले ले, और छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसके परपेंडिकुलर बेस का रेशियो ले ले, तो वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये अल्फा है, अल्फा एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो होगा 9/40 के, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसके परपेंडिकुलर बेस को हम रेशियो लें तो वो बराबर होगा, देखिए एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो कि है रेडियस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो बची वाली साइड कौन सी, एडी, एडी कितना है, 32 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम फोर का टेबल्स यूज कर सकते हैं। सो 4 8 जा होता है 32, 4 10 जा होता है 40, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8 × 9/10, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.2 के बराबर, क्योंकि 8 9 72 होता है, 72 / 10 इज 7.2, तो जो रेडियस है वो हमें निकल गई है, रेडियस है 7.2 के बराबर, ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था आपके लिए। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।